हेलो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप अभी यहाँ देख रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल में बी डिफाइंड एज द एंगल विच इट्स पोजीशन वेक्टर स्वैप आउट इन दैट टाइम इंटरवल। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका रेडियस आर ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ए टू बी मूव करता है और मूव करने के साथ ये एंगल थीटा बनाता है, इसको हम एल मान सकते हैं। आप बहुत सी किताबों में देखेंगे डेल्टा एस के नाम से लिखा होता है। तो द स्वैप ऑफ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला देते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसका मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आर इज अ रेडियस हियर। एंड when object completed its one revolution, then angular displacement of one complete revolution is theta is equals to circumference upon radius। इसको लिख सकते हैं 2πr/r, या फिर सीधे लिख सकते हैं theta is equals to 2π radian। ये एक complete revolution है और ये जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट इज रेडियन।